कोट रूपी गांव में जो भीषण हादसा हुआ है उसकी पहले से ही भविष्यवाणी हो चुकी थी। शायद बहुत से लोगों को इस बात पर यकीन ना हो, लेकिन इलाके के अधिकतर लोग इसी पर विश्वास कर रहे हैं। आखिर क्या थी देवता की भविष्यवाणी और क्यों 20 वर्षों के बाद होता है इस गांव में भूस्खलन, जानिए इस रिपोर्ट के माध्यम से। देवभूमि के नाम से विख्यात हिमाचल प्रदेश में धार्मिक मान्यताओं की काफ़ी महत्व माना जाता है। यहाँ की देव संस्कृति लोगों की जीवन शैली के साथ जुड़ी हुई है। यही कारण है कि लोग देवी देवताओं पर अधिक आस्था और विश्वास रखते हैं। कोटरूपी गांव में जो भीषण भूस्खलन हुआ उसको लेकर कई धार्मिक मान्यताओं की बातें सामने आ रही है। इलाके के आराध्या देव हुरुंग नारायण के मंदिर में बीती 31 जुलाई को काई का उत्सव मनाया गया था। यह एक ऐसा उत्सव है जो 5 वर्षों के बाद मनाया जाता है। इस दौरान देवता के मंदिर में एक व्यक्ति के मरने से लेकर उसके फिर से जिंदा होने तक की सारी परंपरा निभाई जाती है। इस उत्सव के दौरान ही देव हुरुंग नारायण भविष्यवाणी भी करते हैं। इलाके की लोगों की माने तो इस बार देवता ने कोटरूपी गांव को लेकर चेतावनी जारी की थी। यहां पर भी बड़ी त्रासदी का संकेत दिया था जो बीती 12 और 13 की रात को देखने को मिल गया। ग्रामीणों की माने तो देवता इस इलाके को लेकर बीते कई वर्षों से चेतावनी दे रहा है, लेकिन इसका समाधान नहीं किया जा रहा है। यही कारण है कि अब यहाँ इतना भीषण हादसा हुआ है। तो वहाँ पर वो भविष्यवाणी करते हैं और इसकी भविष्यवाणी उन्होंने कर रखी आज से नहीं, 20 साल से कर रहे हैं वो करीब। इसका समाधान ऐसा होता है कि जो हमारी देव प्रथा है उसके अनुसार जो देवते के कर्मचारी लोग होते हैं उनको बिठाओ, उनसे पूछो कि इसका क्या उपाय है। हो जाता है इसका उपाय, लेकिन ये करना पड़ेगा। ये जो पब्लिक यहाँ रह रही थी, ये थी ऊपर कुल्लू वाली, इनको मैंने कई बार बोला कि भाई जो जैसे परंपरा हम नीचे बनाते हैं वैसे तुम लोग भी अपनाओ, तो वो लोग इस चीज़ को मानते नहीं थे। तो आज वो भी लगे मानने कि भाई हाँ सच वो जो है वही बात होगी देव वाली। ग्रामीण देवता द्वारा कई वर्षों से जिस चेतावनी को देने की बात कर रहे हैं उसका यहीं के बशिंदे प्रमाण भी दे रहे हैं। ग्रामीणों द्वारा यह भी बताया जा रहा है कि कोटरूपी गांव में हर वर्ष 20 वर्ष के बाद भूस्खलन होता है। पहले 1977 में हुआ और नुकसान कर गया, फिर 1997 में हुआ जिसमें एक बच्चा काल का ग्रास बना, और अब 2017 को हुआ जिसमें दर्जनों को अपनी जानें गंवानी पड़ी। और बड़ी बात भी यह है कि हादसा 13 तारीख के नज़दीक ही हो रहा है। ये 20 साल के बाद ये स्लाइड होता है, लैंडस्लाइड हर 20 साल के बाद हुआ है। 1977 में हुआ, 1997 में हुआ और 2017 में, लग इसी डेट के इर्द गिर्द होता है, एक दो दिन आगे पीछे हुआ है। हालांकि गांव के ही कुछ लोग इसे एक वैज्ञानिक घटना भी मानते हैं, इसके पीछे ग्रामीणों का वैज्ञानिक तर्क भी है। यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर चट्टानी नमक काफ़ी मात्रा में मौजूद है। ग्रामीणों के अनुसार यह भी संभव है कि अंदर कोई गैस बन रही है जो एक अंतराल के बाद विस्फोट के रूप में यहाँ नुकसान पहुँचाती हो, या फिर जैसे ये जो पूरी पहाड़ी है गुम्मे तक ये कुछ आग अंदर से नमकीन है, उससे उसकी वजह से भी हो सकता है। लेकिन जिस तरह से ये मिट्टी काली जो है, बिल्कुल काली जैसे कोयले की तरह है, तो ऐसा लगता है कि यह कोई गैस ही जो जिसने बाहर निकलने की कोशिश की। पहले पीछे जो हुआ था वो कम मात्रा में थी, अब जो है आप देख रहे होंगे ऊपर जो है बीच में जो बहुत गहरी, तो उसमें बहुत बड़ा धमाका गया जिसकी वजह से ये जो प्रलय इतना, इस मेरे ख्याल से हमने तो अपनी जिंदगी में इतनी भयानक कभी नहीं देखी इतनी तरह। बहरहाल इस समय कोटरूपी गांव में भीषण भूस्खलन को लेकर तरह तरह की बातें सुनने को मिल रही है। सभी के पास अपनी एक कथा, और उस कथा की या तो कोई धार्मिक थ्योरी है या फिर वैज्ञानिक, लेकिन असली हकीकत क्या है इस बात का पता तो पूरी जांच पड़ताल के बाद ही चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल।